हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन. दिस साइड सीएस तान्या भंडारी. हम लोग बात कर रहे हैं नए सब्जेक्ट की ऑफ ऑब्वियसली सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2, राइट. सो हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉस की. अब देखो, हम चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कवर काफी कुछ कर चुके हैं. प्रीवियस क्लास जो मैं बोलूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी. वहां पे हमने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में काफी बात करी थी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम स्टार्ट करेंगे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से कि इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या होता है. देखो, इनोवेटर, ठीक है, ग्रोथ प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम किसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ग्रो करने की, ऐसी कंपनीज जो नई नई टेक्निक्स को यूज कर रही हैं, कुछ नया इनोवेट इन्वेंट कर रही हैं, करेक्ट. तो दैट मीन्स एक ऐसी कंपनीज के लिए हमने अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो बेसिकली यूज करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में, इन सारे अपकमिंग फ्यूचर को यूज कर रही हैं और उससे कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. तो वैसी कंपनीज क्या कर सकती हैं, यहाँ पे रजिस्टर हो सकती हैं. सो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या है, मींस द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द इश्यूअर दैट कंप्लाई विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर ICDR, राइट. एप्लीकेबिलिटी, कौन इस पर रजिस्टर कर सकता है, कौन लिस्ट हो सकता है, रजिस्टर तो नहीं बोलूंगी. तो हमने पढ़ा कि ऐसी कंपनीज, ये देखो दो चीज याद रखना, अभी के जो दो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, एक इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म एंड द अदर इज सोशल स्टॉक मार्केट. ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मार्क माय वर्ड्स. चाहे ग्रोथ आपका ये इनोवेटर आ जाए या फिर सोशल सिक्योरिटी आ जाए, दोनों में से कोई भी आ सकता है, आने के 100% चांसेस हैं. सो मेक श्योर कि आप ये डेफिनेशन को देखो, समझा मैं रही हूँ लेकिन मैं आपके लिए लर्न नहीं कर सकती हूँ, करेक्ट. एंड बींग ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल CS करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं. तो जो शायद मैंने गलती करी, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट. क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं भी सब पढ़ती थी, लेकिन पढ़ लिया, दो मिनट के लिए रिकॉल किया, हाँ 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 सब ठीक है, लेकिन जब उसको लिखने बैठो ना, खुद तो कभी लिख के देखा नहीं. प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, एग्जाम हॉल में जाके. तो एक रिडल थी कि एक कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे आपके सब साथ भी होते हैं लेकिन कोई साथ भी नहीं देता, है ना. तो वो कौन सा, वो क्या चीज़ है, वो है एग्जाम हॉल, कि सब साथ तो बैठे हैं लेकिन फिर भी आप अकेला महसूस करते हो. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि मैं पढ़ के सब गई हूँ लेकिन मैंने अगर उसको राइटिंग में लिख के नहीं देखा है, प्रैक्टिस नहीं करी है, आई वोंट बी एबल टू पुट इन टू वर्ड्स, ठीक है. और फिर वो वर्ड्स मतलब ऐसे नहीं किसी को लेटर लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख देंगे, नहीं, या व्हाट्सएप में टाइप कर रहे हैं तो शॉर्ट में लिख देंगे, नहीं. दैट शुड बी कोर लीगल लैंग्वेज, राइट. और आई वुड से द पॉइंट्स, द की पॉइंट्स विच आर देयर इन योर मॉड्यूल शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर. सो ये डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करना होगा. सो कंपनी विद इंटेंसिव यूज ऑफ, क्या यूज कर रही है कंपनी, टेक्नोलॉजी का. देखो आज के टाइम पे क्या क्या बहुत इन है ट्रेंड में, अगर मैं बोलूं तो IT बहुत ट्रेंड में हमेशा से रहता है, अभी भी है. आपने डेटा एनालिसिस बहुत सुना होगा, वो भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, करेक्ट. इसमें और क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि आपके इकोनॉमिक कमोशन में आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी नया ऐड हुआ है, तो एक IP भी मतलब ट्रेंडिंग है. देन नैनो टेक्नोलॉजी इन देयर बिजनेस. तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मेरी डेफिनेशन में आने ही आने चाहिए, करेक्ट. सो कंपनी विद द इंटेंसिव यूज ऑफ क्या, टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, अगर ये सब अपने बिजनेस में कोई भी कंपनी यूज कर रही है इन टेक्नोलॉजीज को, तो वो वैसी कंपनीज, ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वैसी कंपनीज जो कुछ इनोवेटिव कर रही हैं, वो कंपनीज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में आके अपने आप को क्या करा सकती हैं, लिस्ट करा सकती हैं, राइट. सो एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड एज द केस मे बी, उसमें क्या कंडीशन बताई है. देखो, एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन
डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड एज द केस में भी 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल। अब ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कैपिटल को प्री और पोस्ट कैसे बोल रहे हैं। प्री इशू मतलब प्री इशू वर्ड यूज हो रहा है, मतलब मार्केट में उस अभी तक मैंने शेयर्स बाहर ऑफर नहीं करे हैं, तो उससे पहले की कैपिटल अभी इशू नहीं हुई है जनरल पब्लिक को, तो प्री इशू कैपिटल। एंड पोस्ट इशू क्या होती है, इशू होने के बाद ऑब्वियसली जब मैं पैसा उठा रही हूँ तो वो मेरी कैपिटल इंक्रीज कर रहा है ना, तो उस वो पोस्ट इशू वो हो गया, प्री इशू उससे पहले की। तो बोलता है 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल ऑफ फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ टू शुड हैव बीन हेल्ड बाय, मतलब मान लो ने बोला कैपिटल है कंपनी की 100 रुपए, तो बोलता है इस 100 रुपए में से मिनिमम 25 रुपए एटलीस्ट कितने साल तक, बोलता है एटलीस्ट 2 साल तक किन लोगों के पास होने चाहिए, शुड हैव बीन हेल्ड बाय हूम, हमने बोला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब जहां पे मैंने QIB बोल दिया तो मेरे हिसाब से आपको QIP की डेफिनेशन जो हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी जिसमें कि 13 पॉइंट्स आते थे, वो रिकॉल हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो यही वीडियो को रोक दो, आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। गो बैक टू दी फर्स्ट चैप्टर, पहले वो डेफिनेशन याद करके तब यहाँ पहुँचो। देखो अगर आप चीज़ों कोई भी नाम किसी और, मान लो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म आपके से सपोज फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 4, 5, 6 कहीं पर भी आ रहा है करेक्ट, और वो नाम पढ़ते ही मेरे दिमाग में जिन यू नो कौन सी कंपनीज को हम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, अगर ये सारे पॉइंट मुझे क्लिक नहीं कर रहे हैं दैट मींस मैंने पढ़ा तो है लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड, मतलब मैं कहीं खो के ही पढ़ा है मैंने, मुझे चीज़ें मेरे अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। सो यहाँ पे QIB की डेफिनेशन में मैं रिपीट नहीं कराऊंगी आपको, वो 13 के 13 पॉइंट्स इन क्या हैं आपको याद होने चाहिए ठीक है। तो वापस यहाँ पे आते हैं, हमने बोला एक ऐसी एलिजिबिलिटी हम पूछ रहे हैं, हमने बोला मान लो कंपनी की कैपिटल प्री इशू कैपिटल 100 रुपये है, उस 100 रुपये में से 25% जो है वो किन लोगों के पास एटलीस्ट 2 साल से होना चाहिए, फर्स्ट इज QIB, सेकेंड इज या फिर किसके पास, हमने बोला कोई फैमिली ट्रस्ट जिसकी नेटवर्थ कितनी है मोर देन 500 करोड़ एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एग्जाम में अगर मैं ये लिखाऊंगी कि फैमिली ट्रस्ट विद नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आगे भी एक लाइन है, क्या 500 करोड़ कब का देखेंगे, तो हमने बोला एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट। सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर फैमिली ट्रस्ट विद मोर देन 500 करोड़ एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक्रेडिट इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब यहीं रुक जाओ कि एक्रेडिट इन्वेस्टर होते कौन है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हमने बोला एक ऐसा इन्वेस्टर हु विच इज एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस एंटिटी, दैट मीन्स इट कुड बी एन इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी और इट कुड बी अ बिजनेस एंटिटी दैट इज अलाउड टू ट्रेड इन सिक्योरिटी दैट मे नॉट बी रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल अथॉरिटीज, मतलब कि क्या बोल रहा है कि वो ऐसी सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं जो कि लिस्ट नहीं है, मतलब क्या दैट इज नॉट अलाउड टू ट्रेड इन सिक्योरिटी दैट मे नॉट सॉरी दैट आर अलाउड टू ट्रेड इन सिक्योरिटी दैट मे नॉट बी रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल अथॉरिटीज ठीक है। अब उससे होता क्या है, उससे क्या रिस्क बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उन पर मॉनिटरिंग कम है, कोई भी चीज़ अगर एक प्लेटफॉर्म पर रिनाउंड प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रही है तो मेरी भी नज़रों में है, आपकी भी नज़रों में है और सेबी की भी नज़रों में है, तो वहाँ पर गड़बड़ होने पर हमें पता है कि सेबी बैठा है और चीज़ें मतलब गलत नहीं होती हैं यूजली, बाकी स्कैम तो फिर होते ही रहते हैं, लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे ना पुलिस अगर है तो पुलिस का हमें देख के डर नहीं लगना चाहिए लेकिन सेफ्टी फील होनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिट ही होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं ये जो कि कौन कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, और वो किन सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं दैट मे नॉट बी रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल अथॉरिटी दैट मीन्स दे ट्रेड इन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज, क्या होती हैं, तो उसका भी आंसर है।
are unadjusted securities are considered inherently more risky because they lack the normal disclosures. जो हमें अब देखो सेबी अपना काम थोड़े बढ़ाएगा, ICDR, LODR और कितनी regulations हैं हमारे, obviously हमें पता है कितनी सारी regulations हैं. तो ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि हमें मतलब इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक करने के लिए, कंप्लाइंसेस पूरे हो, दुनिया को पता हो, उसके लिए बनाई गई है. जब आप इन अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो आपके डिस्क्लोजर्स भी उतने ही कम होंगे, उतने ही हिडन होंगे. नाउ वॉट इज एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर? दे आर एंटाइटल टू दिस प्रिवलेज एक्सेस बाय सैटिस्फाइंग एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग देयर इनकम. मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट होंगे कि उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, नेटवर्थ इतना होना चाहिए, उनका असेट साइज इतना होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्टेटस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर कुछ भी ऐसा है, ठीक है, तो वो हमारे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे. एंड दे आर जनरली लार्ज प्लेयर्स. आप और मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स या उससे मतलब जो हम नॉर्मल खरीदते बेचते हैं उन वैसे नहीं, दीज आर दी यू नो लार्ज फाइनेंशियल प्लेयर्स, ठीक है. तो या तो मेरे कंपनी का हमने बोला मिनिमम 25% पिछले 2 साल तक कोई एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के पास हो, QIB के पास हो, फैमिली ट्रस्ट के पास हो, जिसकी नेटवर्थ क्या हो मोर देन 500 CR एज पर दी ऑडिटेड लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. और उन्होंने क्या बोला, द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज, या फिर ये सारी फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज क्या, या तो कैटेगरी 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या फिर ऐसी एंटिटी जो ये क्राइटेरियाज को मीटअप कर रही है. क्या मीटअप कर रही है? कि इट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड विद मिनिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 150 मिलियन USD, ठीक है, 150 मिलियन USD. तो इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट, आप सोचो पूल्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए किसी फंड की, 150 मिलियन USD, राइट. और वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो विद द फाइनेंशियल रेगुलेटर इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच इट इज अ रेजिडेंट. तो दैट मींस हम बाहर की बात करें, बाहर का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, लेकिन उसकी पूल्ड इन्वेस्टमेंट इतने की होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. और इट इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हुज सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इज अ सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग or the signatory to bilateral memorandum of understanding with the board. कौन सा board? UP board? नहीं, SEBI, ठीक है. तो उसकी वहाँ जहाँ पे भी वो जिस भी जगह का, जिस भी कंट्री से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उस कंट्री का जो भी सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है वो सिग्नेटरी होना चाहिए. किसका? या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना चाहिए, या फिर सिग्नेटरी टू बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बोर्ड. Fourth, it is not a resident in a country identified in the public statement of Financial Action Task Force. Financial Action Task Force का काम क्या है? चेक करना कि किस कौन से देशों में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा प्रिवेल कर रही है, ये सब का. तो बोलते हैं उस कंट्री का भी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए जो कि ब्लैक लिस्टेड है. It is a jurisdiction having strategic anti-money laundering or combating the financing of terrorism deficiencies to which countermeasures apply, or a jurisdiction has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed by the FATF to address the deficiencies. मतलब इन countries का नहीं होना चाहिए, basic समझने के लिए कि जिनका नाम FATF में आ रहा है, ठीक है. तो ये वाले नहीं होने चाहिए. और क्या होने चाहिए? तो हमने बोला या तो कोई कैटेगरी 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जो ये क्राइटेरिया को मीटअप कर रही है. QIB हो सकता है, फैमिली ट्रस्ट हो सकता है, एक्रेडिट इन्वेस्टर हो सकते हैं. लेकिन हम क्या चेक करेंगे कि पिछले 2 साल तक से ये हमारी उस पर्टिकुलर कंपनी में है और इतना परसेंट इनके पास है, करेक्ट. तो ये क्या है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म को हमने पढ़ा. अब बात आती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ सोशल स्टॉक एक्सचेंज से क्या समझ में आता है? अच्छा मुझे बताओ सोशल का क्या मतलब है?
जनरली अब अगर मैं पढ़ाई के प्रस्पेक्टिव से सोचूं, सोशल, अगर मैं अपनी सोशल लाइफ से सोचूं तो उसके तो अलग ही मीनिंग निकलते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई के प्रस्पेक्टिव से सोचें तो सोशल मतलब जनरली यही होगा ना कि किसी सोशल एक्टिविटी में एंगेज हो, हंगर को इरेडिकेट करने में हो, पॉवर्टी को करने में हो, एजुकेशन को प्रमोट करने में हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में हो, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स काम कर रहे हो, यही सारे सोशल काम होते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम ले रहे हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अब आपको आइडिया इससे मिल रहा होगा कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। सो एज पर द रेगुलेशन ऑफ 292A, सोशल स्टॉक एक्सचेंज इस डेफिनेशन को बाय हार्ट सोल जो भी है लर्न कर लेना बस, ठीक है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, जैसे भी तुम लिखना चाहते हो मार्क इट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, किसका सेगमेंट है, जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसका ही एक सेपरेट सेगमेंट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल परमिटेड टू रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, परमिटेड टू रजिस्टर क्या, हुम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड और लिस्ट द सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। देखो यहाँ पे हम दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, एक तो मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो नाम ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि काम क्या कर रही होंगी, दूसरा हमारा होता है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, FSE, क्या है, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। अब ये दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, नॉट फॉर प्रॉफिट तो मैं बोल सकती हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया है कि सेक्शन 8 आ सकती है इसमें, बिल्कुल आ सकती है, उनके लिए ही ये वर्ड है। मैं और अगर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट, एक तो सेक्शन 8 हो गया, और कौन कौन सी नॉट फॉर प्रॉफिट में आती है, ट्रस्ट आ सकता है, सोसाइटी आ सकती है ना, यही सारी चीजें हैं जो मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट में आती हैं। तो अगर मैं स्पेशली सेक्शन 8 की बात करूं या ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अगर मैं सेक्शन 8 को भी छोड़ दूं, ओवरऑल पिक्चर लेके बात करें, तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी लीगल एंटिटी जो काम किस लिए कर रही है, फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, एज जो हमारे स्केड्यूल 7 में लिखा है ना कि हमारा CSR भी किन चीज़ों के लिए टूवर्ड होना चाहिए, एज पर स्केड्यूल 7, ठीक है, तो प्रमोशन कर रही है उन हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, पहली बात। दूसरा, ये प्रॉफिट अगर अर्न करती है तो फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि वो प्रॉफिट अपने जो जिस कोर बिजनेस को वो कर रही है उसी को ही फर्दर प्रमोट करने में यूज करती है, करेक्ट। तीसरा मतलब यही बात है कि ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, प्रॉफिट को आपस में बांटते नहीं है, इनको ही हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, ठीक है। पर क्या कहीं ये लिखा है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ट्रेड नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकती? द आंसर इज नो, कहीं नहीं लिखा, ये अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकती है, राइट। सो हमने बोला एक NPO हो गया, और दूसरा है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, मतलब क्या कि मैं एक ऐसी लीगल एंटिटी हूँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो सोशल काम करना ही है, लेकिन उससे मैं ये भी करूंगी कि मैं अपना भी भला तो देखूंगी लेकिन दूसरों का ज्यादा भला करूंगी, मतलब मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगी, प्रॉफिट तो कमाऊंगी ही, लेकिन वो प्रॉफिट मुझे किन कामों से आ रहा होगा, सोशल काम करने से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। तो ऐसी दो लीगल एंटिटीज सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हो सकती है, लिस्ट हो सकती है। नाउ कम्स दी एप्लीकेबिलिटी, देखो द प्रोविजन ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज मेंशन इन चैप्टर 10A ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू गेट रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल। सेकेंड, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू गेट रजिस्टर्ड एंड रेज फंड थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो ये तो हो गया कि नॉर्मल सेक्शन 8 क्या कर रही है, अपने आप को रजिस्टर करा रही है विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, पहली बार, वो शायद फंड नहीं भी रेज करेगी लेकिन लिस्ट करा रही है।
सेकेंड इज एक ऐसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने आप को रजिस्टर तो करा रही है लेकिन वो फंड भी रेस करेगी. अब फंड कैसे रेस करेगी? अगर मैं किसी यू नो एनपीओ जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है, मैं अगर उसके शेयर्स खरीदती हूँ तो मतलब क्या, मैं तो फिर उसके में रिटर्न चाहूँगी ना. मैं चाहूँगी कि अगर मतलब कि अगर जो भी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, देखो बेसिक्स ऐसे समझो कि अगर मैं हमने किसी की कंपनी का शेयर खरीदा तो हम उसे रिटर्न चाहेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भूल जाओ कि आपको रिटर्न मिलेगा. तो मैम बोलोगे ये क्या, तो ये इन्हीं पर्पस के लिए बनाई गई है. क्या पर्पस? डोनेशन. अब देखो अगर आप और मैं किसी को ऐसे ही जैसे कोई फेस्टिवल्स में या किसी भी पर्पस के लिए हम चंदा देते हैं, है ना, तो हम डोनेशन देते हैं, वो हमने दे दिया, हमें नहीं पता, हम तो अच्छी इंटेंशन से देते हैं लेकिन वी डू नॉट नो कि वो पैसा कहाँ किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है. जो हमें पर्पस बताया है क्या वो एक्चुअली में वहाँ पहुँच रहा है भी या नहीं, हमें नहीं पता होता, ठीक है. तो यहाँ पे ये एक श्योरिटी है कि जिस पर्पस, जो भी पर्पस वहाँ पे डिफाइंड है कि ये पर्टिकुलर एनपीओ ये अचीव कर रहा है, इसके टुवर्ड्स काम कर रहा है, तो दैट मींस वो एक्चुअली में वही काम को कर रहे हैं, तो श्योरिटी हो जाती है, ठीक है. प्लस मैं ऑब्वियसली डोनेशन का मतलब क्या है कि मैं कुछ वापस में यू नो रिसीव करने की इंटेंशन नहीं रख रही हूँ, राइट. तो इसको हम जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बोलते हैं. मतलब क्या? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल. मतलब अगर ऐसे समझो कि अगर मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मैंने टाटा के शेयर्स लिए, तो अगर मैंने टाटा के शेयर्स लिए हैं तो मेरा इसमें क्या होगा कि ठीक है, जो भी सपोज मैंने लिए हैं 5000 के शेयर्स, ठीक है, तो इतना अमाउंट मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल, राइट. अब इस पे जो भी मुझे रिटर्न मिलेगा वो मेरी ऑब्वियसली इनकम ही तो है, या मैंने किसी एज इन किसी को डिबेंचर्स किसी कंपनी के परचेज करे, ठीक है, मान लो 5000 की, तो इस पे मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा जो भी मिला, 100, 200, 300, वट एवर बी द अमाउंट, ठीक है. तो मतलब क्या, जब ये पैसा मेरे पास वापस आएगा तो उसके अंदर कुछ रिटर्न प्लस प्रिंसिपल दोनों चीजें होंगी, है ना, रिटर्न भी आएगा प्रिंसिपल भी आएगा. लेकिन जब हम सोशल सिक्योरिटी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो जीरो कूपन, ये मतलब कूपन मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट. मतलब एक बार अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया तो आप समझ जाओ आपने डोनेशन दी है और उस पर आपको किसी भी तरीके का कूपन, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. प्लस जीरो प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा दे दिया वो दे दिया, उसको वापस आने की इच्छा से हमने नहीं दिया है. तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, राइट. तो अगर हम ऐसे ही किसी को डोनेशन दे रहे हैं, इट्स बेटर कि हम उन चैनल से दें जो हमें पता है, एंड क्योंकि ये रजिस्टर्ड है हमारी रेगुलेटरीज के साथ, तो डेफिनेटली वो मेक श्योर करेंगे कि वही पर्पस के लिए पैसा यूज हो रहा हो, राइट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो दो हमने समझा क्या है, तीसरा यहाँ पे लिखा है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज FSE या FPSE सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइज. अब यहाँ ये कंपनी क्या कर रही है कि ऑब्वियसली देखो अगर यहाँ इनकी बात करो तो ये तो प्रॉफिट भी कुछ होगा तो भी उसी पर्पस में लगाएंगी, खुद आपस में नहीं लेंगे. लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल लीगल एंटिटी है जो काम, जैसे हम कहते हैं ना, हम आईटी सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल में है, कोई और इंडस्ट्री में काम करें, टेक्सटाइल में, इनका काम ही सोशल एंटरप्राइज सोशल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना है. लेकिन ये साफ साफ बोलते हैं कि हम उससे पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो ये उस चीज में क्लियर होते हैं. तो ये तीन तरीके की एंटिटीज जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कर सकती हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं. Eligibility conditions for being identified as social enterprise. क्या? As per these regulation, not for profit organization or for profit social enterprise to be identified as social enterprise shall establish a primacy of its social intent. कि आपका objective क्या है वो बताओ, वो clear होना चाहिए, ठीक है.
सेकेंड, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द प्रेमिसी ऑफ इट्स सोशल इंटेंट, सच सोशल एंटरप्राइज शैल मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हार्ट बाय सोल बाय लंग वट एवर लर्न होने चाहिए. पहला, सोशल एंटरप्राइज शैल इंडल्ज एट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. क्या? या तो वो काम कर रही हो टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी मैल न्यूट्रिशन इनइक्वालिटी, राइट, या प्रमोट कर रही हो कोई हेल्थ केयर को, मेंटल केयर, सैनिटाइजेशन, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर. थर्ड इज प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड. फोर्थ, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या LGBTQ कमिटी को प्रमोट कर रही हो. देन इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग मिटिगेशन, अडेप्टेशन, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर रही है, प्रोटेक्टिंग नेशनल हेरिटेज, राइट, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकोगनाइज स्पोर्ट्स, राइट. देन पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, सपोर्टिंग इनक्यूबेटर्स ऑफ सोशल एंटरप्राइज. तो आप देख रहे हो ये सारे काम क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हो रहे हैं और वो काम एक्चुअली होने चाहिए. मतलब ये मेक श्योर करेगी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी कि जो भाई जिस काम के लिए आप बोल रहे हो ना कि आप बने हो, आपका जन्म ही इस काम को अचीव करने के लिए हुआ है, मेक श्योर कि आप उस काम में पैसा इन्वेस्ट करो. Supporting other platform that strengthen the non-profit ecosystem in fundraising and capacity building, promoting livelihood for rural, urban, poor, including enhancing income of small marginal farmers. अब देखो ये मैं एक एक explain करना तो it is very long, ठीक है, क्योंकि हमें पता है social objectives क्या होते हैं. Point आता है मुझे learn कितने करने हैं. तो ये कितने हैं, ये 17 पॉइंट्स हैं. मैं मान के चलूंगी आपको 15 याद होने चाहिए अगेन बहुत अच्छे से. कोशिश करो 17 याद होते हैं, पूरे 17 करो, नहीं तो 15 तो करने ही करने हैं. 15 करोगे तो जाके 10-12 लिख पाओगे, राइट. तो याद करने हैं. स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू लैंड एंड प्रॉपर्टी असेट फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंटरनेट एंड मोबाइल एक्सेस. मतलब आपके रूरल एरियाज में जो कि इन चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को इसका बताना, यूज़ वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहुँचाना. देन प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, एनी अदर एरियाज आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम. और वो कौन कौन से और क्या क्या कर रहा हो, ये तो हमने एलिजिबिलिटी बता दी. फिर हमने बोला एक सोशल एंटरप्राइज शैल टारगेट अंडरसर्व्ड और लेस प्रिविलेज पॉपुलेशन सेगमेंट और रीजन रिगार्डिंग लोअर परफॉर्मेंस इन द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. हमने बोला ये जो तुम सोशल ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो ना, वेरी गुड, अच्छा है, करने चाहिए, लेकिन ये काम भी तुम उन लोगों के लिए करोगे जो कि ऑब्वियसली अंडर प्रिविलेज हैं, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, उस जगह पे आप ये सारे सोशल काम को टारगेट करोगे. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अगेन आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट सोशल एंटरप्राइज शैल हैव एटलीस्ट 67% ऑफ इट्स एक्टिविटीज qualifying as eligible entities to the target population to be established through one or more of the following. मतलब कोई भी social enterprise बोल रहा है shall have at least 67% of the activity. आप जो भी activity कर रहे हो उसका 67% actually में जो आपको आप जिस लिए आप target कर रहे हो ना उन तक जाना चाहिए. जैसे कि बोलता है अगर at least 67 of the immediately preceding 3 average of revenue comes from providing eligible activities to the members of the target population. मतलब आपका पिछले 3 साल का रेवेन्यू जो भी चीज आप टारगेट कर रहे हो उस टेक टूवर्ड्स होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्या बोलता है कि एटलीस्ट 67% ऑफ इट्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर्स एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड फॉर व्हाट ऑल पर्पसेस, द एलिजिबल क्राइटेरिया जिसकी हमने बात करी है, ठीक है. तो उससे ही पैसा आ रहा हो, उस पे ही खर्च हो रहा हो, और कितना बोलता है कि मिनिमम बोला है 67%, राइट. देन थर्ड इज मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन टू होम द एलिजिबल एक्टिविटीज हैव बीन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 67% ऑफ द इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर्स
एवरेज ऑफ द टोटल कस्टमर बेस एंड और टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, ठीक है। तो ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें 67 का क्राइटेरिया बताते हैं कि उसका मिनिमम 67% जो है वो इन तीन चीज़ों पे ही यूज हो रहा हो। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। कॉर्पोरेट फाउंडेशन मतलब रिलायंस फाउंडेशन, टाटा की फाउंडेशन बोलता है ये सारी आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती हैं ऑन दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज वाई, सोचो थोड़ा। देखो उनकी कंपनी ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली अगर रिलायंस हमारा पेरेंट ग्रुप है तो अगर वो अपनी कोई फाउंडेशन बना रहा है तो भाई वो पैसा अपनी पेरेंट कंपनी से लेना, दूसरों से थोड़ी पैसा लेगा, ठीक है। तो बोलते हैं ऐसी कॉर्पोरेट फाउंडेशंस जो अगर मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पे वो लिस्ट क्यों हो रहे हैं क्योंकि उनको फंड रेज करना है फॉर द एलोकेटेड पर्पसेस, राइट। सो सिंपल सी बात है, उन फाउंडेशंस को पैसा कहाँ से मिलना चाहिए, अपनी पेरेंट कंपनी से मिलना चाहिए जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, तो वो सारी फाउंडेशंस यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। पॉलिटिकल तो हमें पता ही है कि पैसा यू नो ब्लैक से वाइट इन्हीं जरियों से किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग कंपनीज एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर दी पब्लिक एट लार्ज, जो कि महंगे महंगे करोड़ों के घर हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम में कुछ होता है तो हमें शायद चाहे 1 BHK ही उसमें कुछ कम दामों पे मिल जाता है, नो ऑब्वियसली बहुत कम दामों में, तो वो एक यू नो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अलाउड हैं। शैल नॉट, बाकी सारे शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी आइडेंटिफाइज एज अ सोशल एंटरप्राइज। नाउ रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर एन NPO क्या क्या है, बोलते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शैल मैंडेटरी सीक रजिस्ट्रेशन ऑन दी SSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट्स रेजेस फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी बिफोर रेजिंग दी फंड। हाउएवर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चूज टू रजिस्टर ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉट रेज फंड थ्रू इट, तो वो मर्जी है करे चाहे नहीं करे लेकिन रजिस्टर कराना जरूरी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड द थर्ड इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज मे स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी, मतलब सेबी की तो हमें बेस है वो तो करना ही, उसके ऊपर भी कुछ अगर कंप्लाइंसेस करने हैं फॉलो करना है तो वो करना पड़ेगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये आपके मॉड्यूल में नहीं है लेकिन मैंने इसमें रखा है, क्या क्वेश्चन है, वॉट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पहला, और विच एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आंसर क्या है इनका, बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी विच मीट्स द क्राइटेरिया टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज एंड इज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, क्या कौन सी एंटिटीज, यहाँ पे यही तो बोला है ना कि व्हाट इज, पहले तो पूछा कि क्या होता है, बोलता है या फिर विच एंटिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड एज दी NPO, तो बोलता है कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है एज पर दी पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट, चैरिटेबल सोसाइटी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8, राइट, और एनी अदर एंटिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, करेक्ट। तो ये हमारे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे या सोशल एंटरप्राइजेस के लिए एलिजिबल है। नाउ कम्स इन अनदर टॉपिक विच टॉक्स अबाउट मार्जिन। देखो मार्जिन क्या है, अगर जैसे मान लो आप मैं या कोई और हम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली हमारा अकाउंट खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, तो वो हमारे सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, राइट। अब सेविंग अकाउंट में ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक हम उसमें पैसा ऐड करते हैं डीमैट में फिर हम आगे की ट्रांजैक्शंस को करते हैं, तो मान लो ये एक सेफ्टी के पर्पस से बात की गई है कि भाई कुछ मिनिमम पैसा तो हमें रखने को बोला ही जाएगा, ठीक है, कि मिनिमम मार्जिन तो आपने मेंटेन करना ही है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना मिनिमम तो आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए, जैसे ही वो कम होता है आपको वापस उसको रिफिल करना है।
इनिशियल मार्जिन बोलता है. इनिशियल मार्जिन इन दिस कंटेक्स्ट मींस अ मिनिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू टू बी प्लेस्ड बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर बिफोर द एक्चुअल परचेज. द ब्रोकर मे एडवांस द बैलेंस अमाउंट टू मीट अप द फुल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन. इनिशियल मार्जिन क्या है, बोलता है कि जो भी आप जितने की भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, डील करने जा रहे हो, उसका मिनिमम तो वो हो गया मेरा इनिशियल मार्जिन, राइट. तो मार्जिन क्या होता है, बोलता है एडवांस पेमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ट्रांजैक्शन. कि एडवांस में हम अपने अकाउंट में कुछ पैसा रखना मैंडेटरी है. द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अ ब्रोकर और लेंडर एक्सटेंड्स टू अ कस्टमर फॉर स्टॉक परचेज. तो इनिशियल मार्जिन समझ में आया कि मिनिमम अमाउंट जो कि कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू टू बी प्लेस बाय द क्लाइंट. ठीक है, जो भी मान लो मेरी 1 लाख की ट्रांजैक्शन है तो उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज मेरे मतलब अकाउंट में होना चाहिए. मिनिमम बिफोर द एक्चुअल परचेज द ब्रोकर मे एडवांस द बैलेंस टू मीट अप द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन. मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, बोलता है मींस अ मिनिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ट्रेडिंग डेज क्लोजिंग प्राइस To be maintained by the client with the broker. कि भाई मेरी जिस हिसाब से भी यू नो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन जो भी मैं मतलब obviously देखो broker के पास हम account खुलवाते हैं तो वो हमारा एक pattern समझते हैं, है ना. तो मान लो उन्होंने मतलब हमारा मेरा minimum balance है से suppose 15 लाख, क्योंकि transaction मान लो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है. तो 15 लाख है. अब 15 लाख में हो सकता है कि उस दिन मैंने 20 लाख की ट्रांजैक्शन करी, ठीक है. 20 लाख रुपए का मुझे अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो ये इसी में ऐड ऑन होके हो जाएगा 35. फिर अगले दिन ट्रांजैक्शन करी तो मुझे हो सकता है 10 का लॉस हो गया, तो इसी बैलेंस में से मेरे पैसे चले जाएंगे तो बच जाएगा 25. फिर हो सकता है अगले दिन 20 का और मुझे लॉस हो जाए तो अब क्या बचेगा, 5 लाख. फिर अगले दिन का मान लो और 10 लाख का लॉस हो गया तो यहाँ पे -5 चला जाएगा. तो बोलता है इसको रोकने के लिए, क्योंकि जहाँ -5 गया तो ऑब्वियसली कोई आके देने वाला नहीं है. तो इसीलिए मेंटेनेंस मार्जिन हमेशा लेके चलते हैं कि कल को अगर आप यू नो कहीं लॉस कैसे होता है, इसलिए तो होता है क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट हमें रखना ही रखना है जिस हिसाब से भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. प्रीवियस डे में देखेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर डे में इस पर्टिकुलर क्लाइंट की इस हिसाब से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो हर एक का इंडिविजुअल मेंटेनेंस मार्जिन निकलेगा, राइट. तो वो हमें मेंटेन करना है, नहीं तो फिर पकड़ेगा कौन किसको. तो वो हो गया मेरा मेंटेनेंस मार्जिन. सो व्हेन द बैलेंस डिपॉजिट इन द क्लाइंट्स मार्जिन अकाउंट फॉल्स बिलो द रिक्वायर्ड मेंटेनेंस मार्जिन द ब्रोकर शैल प्रॉम्प्टली मेक द मार्जिन कॉल. वो आगे ट्रांजैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, पहले इसको फिर से उन्हें 15 से रीफिल करना पड़ेगा, क्योंकि 15 ही उनका मेंटेनेंस मार्जिन है. However, no further exposure can be granted to the client on the basis of any increase in the market value of its securities. The broker may liquidate the security if the client fails to meet up the margin call made by the broker or fails to deposit the check on the day following the day on which the margin call has been made. कि अगर आपकी कुछ securities रखी हुई हैं और अगर आप margin call आने के बाद भी pay नहीं कर रहे हो तो broker has all the right to sell those securities, right? The broker may also liquidate the security in case a client deposit in the margin account falls to 30%. और लेस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. कि भाई मेरे अकाउंट में जो भी मैंने शेयर्स लिए हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे. बोलता है कि अगर वो 30 मेरा जो बैलेंस है वो 30% से कम का हो रहा है तो वो लिक्विडेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन द ब्रोकर मस्ट डिस्क्लोज द स्टॉक एक्सचेंज डिटेल्स ऑन द ग्रॉस एक्सपोजर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द क्लाइंट, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द ब्रोक एंड इफ द ब्रोकर हैज बोरोड फंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट बोरोड ऑन और बिफोर 12 ऑफ द फॉलोइंग डे. तो आपको देखो जब आप किसी के क्लाइंट बनते हो, ठीक है, तो ब्रोकरेज जो होती हैं, ये हम आप बोलूँ कि स्टॉक ब्रोकर, तो इनको आपसे फ़ायदा है तभी तो मतलब इतनी आपको कॉल बताएंगे कि ये कॉल पे इन्वेस्ट कर दो, ये इतने की कॉल लगा दो,
क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो कई बार ऐसा है कि डेफिशिएंसी के लिए कहीं से फंड अरेंज हुआ, तो आपको वो सारे मतलब टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर्स करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स स्क्रिप्ट वाइज ग्रॉस आउटस्टैंडिंग इन द मार्जिन अकाउंट विद ऑल ब्रोकर्स टू द मार्केट। सच डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग मार्जिन ट्रेडिंग डन ऑन एनी डे शैल बी मेड अवेलेबल आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स ऑफ द फॉलोइंग डे थ्रू दी वेबसाइट। नाउ कम्स द बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट। इस पर हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन आई डोंट थिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये कंपनी लॉ में भी पढ़ के आए हैं। बुक क्लोजर क्या है? बोलते हैं बुक क्लोजर इज अ पीरियोडिक क्लोजर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर बुक ऑफ द कंपनी टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स टू डिटरमाइन देयर एंटाइटलमेंट टू डिविडेंड और टू बोनस और टू राइट शेयर्स और एनी अदर राइट्स पर्टेनिंग टू द शेयर्स। करेक्ट। तो ये पीरियोडिक क्लोजर है, ऐसे नहीं कि मतलब ये टाइम टू टाइम वाला क्लोजर है। करेक्ट। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट इज द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टॉक होल्डर्स कि भाई ये रिकॉर्ड डेट है। इस दिन तक जिसके पास हमारे कंपनी के शेयर्स होंगे उसको हमारी कंपनी से डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उन शेयर होल्डर्स को जाएगा। करेक्ट। तो वो हो गई मेरी रिकॉर्ड डेट। सो हमें पता है सेक्शन 91 में कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया, कंपनी में क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज, 45 डेज इन अ ईयर एंड नॉट मोर देन 30 डेज एट वन टाइम। मतलब टोटल तो हम 45 एक साल में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम 30 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू द गिविंग ऑफ प्रीवियस नोटिंग इन द एडवर्टाइजमेंट एटलीस्ट इन वन वर्नैक्युलर न्यूज पेपर इन द प्रिंसिपल वर्नैक्युलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द प्लेस वेर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड एटलीस्ट वंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इन एन इंग्लिश न्यूज पेपर सर्कुलेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट। नाउ कम्स द ब्लॉक डील। ब्लॉक डील बल्क डील क्या होती है? दोनों एक साथ सुन लो। ब्लॉक ब्लॉक मतलब एक सर्टेन, जैसे हम बोलते हैं ना ब्लॉकेज है, ठीक है, या ब्लॉक हो रखी है रोड। मतलब क्या कि एक पॉइंट पे आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि वहां पे जाम लगा है, ब्लॉक हो रहा है, राइट। तो ये ब्लॉक डील क्या होती है? ये जनरली लार्ज इन्वेस्टर्स करते हैं ये। और इसमें क्या है कि ये पहले से ही लिख लो प्री डिटरमाइंड होती है। दैट मीन्स इसमें कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, सेलर एंड बायर आर नोन, ठीक है। तो उनकी आपस में ही उन्होंने पता है कि मेरे को सेलर ने सपोज 1000 शेयर्स बेचने और बायर ने 1000 शेयर खरीदने हैं, तो वो 1000 शेयर्स ब्लॉक हो गए, ठीक है, कंपनी के 1000 शेयर्स वहां पे ब्लॉक हो गए। अब ये सेलर बेचेगा अपने 1000 शेयर और ये बायर जो है वो खरीदेगा। तो ये प्री डिटरमाइंड होते हैं कि, और ऑब्वियसली आप देखोगे एनएससी बीएससी पे ब्लॉक शेयर करके आपको अलग टैब मिलता है। मैं आपको बीएससी पे दिखाती हूँ। देखो दिस इज द साइट ऑफ बीएससी। यहाँ पे अभी 29/23 में क्या हुआ है, सिक्योरिटी कोड देख रहे हो, दोनों का एक जैसा है, 5319577 5391 77, ठीक है। ये बी डील टाइप में क्या लिखा है, बी एस, मतलब एक क्या है, बायर कौन है, मेंटर कैपिटल लिमिटेड, सेलर कौन है, नरिमन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। कितनी क्वांटिटी इन्होंने बेची है, देखो यहाँ पे इनका प्राइस क्या है, कितने में बेचा, 398.7। और यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कितना है, 52 लाख बेचा, 52 लाख खरीदा। तो समझो बहुत बड़े लेवल पे ये होती है। मैंने 1000 तो आपको ये समझाने के उससे दिया, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, इसीलिए ही इनको ब्लॉक डील बोला जाता है। नाउ कमिंग बैक टू दी, और अच्छा अब ये तो मैंने आपको बीएससी दिखाया, आप खुद भी साइट्स को एक्सप्लोर करोगे ना तो जितना हम पढ़ रहे हैं आपको खुद साइट पे दिखने लगेगा। अब देखो, अच्छा ब्लॉक डील हमारे नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होती है, ये अलग से की जाती है, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस पे नहीं होती है। जो हम बोलते हैं ना हमारा 9 से लेके 3:30 का टाइम है उसमें नहीं होती है। क्या टाइम है इनका, मॉर्निंग ब्लॉक डील विंडो, दिस विंडो शैल ऑपरेट फ्रॉम 8:45 AM टू 9 AM। 15 मिनट की विंडो सुबह खुलती है
और 15 ही 15 नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है आफ्टरनून में कितने टाइम के लिए खुलती है, 2:05 से लेके 2:20 तक की विंडो, अगेन वही 15 मिनट्स की विंडो और आफ्टरनून में भी खुलती है, कब 2:05 से 2:20 तक। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी आ रहा है, ये पहले से ही पता होगा कि ये बायर है ये सेलर है, इतने प्राइस पे ये डील होगी। इन दी ब्लॉक डील द मिनिमम ऑर्डर साइज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड इन द ब्लॉक डील विंडो शैल बी 10 करोर। अगर आप बोलो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता नहीं कितना ही अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम कितना साइज होना चाहिए, 10 करोर। तो छोटे प्लेयर्स तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। द ऑर्डर शैल बी प्लेस विद इन प्लस वन माइनस ऑफ द एप्लीकेबल रेफरेंस प्राइस ऑफ इन द रिस्पेक्टिव विंडो एज स्टेटेड अबव। द स्टॉक एक्सचेंज डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन ऑन द ब्लॉक डील सच एज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट और नेम ऑफ द क्लाइंट क्वांटिटी शेयर्स ब्रॉट एंड सोल्ड एक्सेट्रा टू द जर्नल पब्लिक ऑन द सेम डे आफ्टर द मार्केट आवर्स। लेकिन कहीं ना कहीं किसी से न्यूज़ आ ही जाती है कि ये ब्लॉक डील हुई है, तो ये जो डील्स है ना वो आपके एक्चुअल कंपनी के जो शेयर प्राइजेज हैं उनको भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर देती हैं। तो आप देख रहे हो ना कि ये हमें BSE की वेबसाइट पे ही दिख रहा है, करेक्ट, लिख क्या लिखा है, लिस्टेड बिलो आर द ब्लॉक डील्स रिपोर्टेड बाय दी मेंबर्स। तो ये हमें स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होता है और फिर वो पब्लिक डोमेन पे इसको डालते हैं। नाउ कम्स बल्क डील। बल्क मतलब जैसे होता है ना, हमने बल्क में सामान खरीदा है, मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हमने सामान खरीदा। बोलते हैं ना कि भैया इसका कुछ सही रेट लगा लो, हमें बल्क में सामान लेना है। मान लो किसी के घर में पूजा है, ठीक है, और प्रसाद में उन्हें कोई फ्रूट देना है, तो हम जनरली जाएंगे, हम बोलेंगे एप्पल बनाना, हम कितना ले लेंगे, एक डजन, आधा, 6 ले लेंगे, ठीक है, या एप्पल 1 kg 2 kg। लेकिन जब कुछ हमें किसी पर्पस के लिए चाहिए होता है तो हम उसको बोलते हैं ना, भैया हमें तो बल्क में लेना है, आप क्वांटिटी मतलब हमें तो ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, आप प्राइस बताओ। तो मतलब क्या, बल्क में चीजों को खरीदना, राइट। सो बल्क डील इज अ ट्रेड वेयर टोटल क्वांटिटी ब्रॉट और सोल्ड इज मोर देन 0.5 ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी। मान लो कंपनी के 100 शेयर्स लिस्ट हैं, तो ये बोल रहा है 0.5% या उससे ज्यादा अगर कोई एक ही इंसान एक बारी में खरीद रहा है तो उसको हम बल्क डील बोलेंगे। तो 0.5% कितना हो गया, 50, ठीक है। तो अगर कोई 50 शेयर्स या उससे ज्यादा खरीद रहा है तो हम उसको बल्क डील का नाम देंगे। सो बल्क डील कैन बी ट्रांजैक्टेड बाय इन दी नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स विंडो। डिफरेंस क्या है दोनों में, ब्लॉक और बल्क में? ब्लॉक के लिए अलग से टाइम ब्लॉक किया गया, ऐसे याद रखो, बल्क नॉर्मल ट्रेडिंग में ही होती है। प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर थ्रू आउट द ट्रेडिंग आवर्स इन अ डे, किसी भी टाइम हो सकती है। बल्क डील आर मार्केट ड्रिवन एंड टेक प्लेस थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। स्टॉक ब्रोकर हु फैसिलिटेट द ट्रेड इज रिक्वायर्ड टू रिवील टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बल्क डील ऑन डेली बेसिस। बल्क ऑर्डर्स आर विजिबल टू एवरी वन। इफ बल्क डील हैपन्स थ्रू अ सिंगल ट्रेड इट शुड बी नोटिफाइड टू द एक्सचेंज। देखो अच्छा, मैं ये चीज गलत बोल गई कि एक ही बार बोलता, अगर सिंगल मतलब सिंगल भी हो सकती है या फिर थ्रू मल्टीपल ट्रेड्स भी हो सकती है। तो अगर सिंगल ट्रेड में हुई है बल्क डील तो हमें क्या करना है, एक्सचेंज को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, लेकिन अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। लेकिन इफ इट इज हैपनिंग थ्रू द मल्टीपल ट्रेड देन इट शुड बी नोटिफाइड टू द एक्सचेंज विद इन 1 आवर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग। तो डिस्क्लोजर्स में जब हम बोलते हैं ना, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस में, तो ये भी है कि अगर सिंगल ट्रांच में हो रही है तो इमिडिएटली इन्फॉर्म करो, और अगर मल्टीपल इंस्टेंस में हो रही है तो हमको 1 घंटा, वो डील हुई उसके 1 घंटे के अंदर अंदर हमें इन्फॉर्म करना है, राइट। नाउ व्हाट आर द स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सो इंडेक्स इज यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल कमोडिटीज और एनी अदर मार्केट। मैंने कल भी आपको मतलब जब हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में क्या बात बताई थी, इंडेसेस, इंडाइसेस, इंडेक्स क्या होते हैं, किसी चैप्टर का इंडेक्स आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, हमें एक मेजर मूवमेंट ऑफ द मार्केट बता देता है। सो फाइनेंशियल इंडेक्सेस आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस आर यूजफुल फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, दैट दे प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल कंपेरिजन ऑफ रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट अगेंस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज
सॉरी एज गोल्ड और डेट, कि मैंने अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो मैं, और अगर मैं गोल्ड में करना चाह रही हूँ तो मैं दोनों का रिटर्न देख सकती हूँ. अच्छा मार्केट की मूवमेंट कैसी है उस पे मैं, और गोल्ड की मूवमेंट कैसी हो रही, गोल्ड का प्राइस क्या जा रहा है, तो मैं उसमें कंपेयर कर सकती हूँ कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना ज़्यादा सही है, कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या रोल रहेगा. ठीक है, तो वो मुझे एक ओवरऑल पिक्चर से समझ में आता है. दे कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विटी फंड. इट इज अ लीड इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी. तभी हम इसको बैरोमीटर भी बोलते हैं. स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ये हमें ओवरऑल हेल्थ बताता है. स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस रिफ्लेक्ट हाईली अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कि भाई मार्केट मतलब मेरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, कौन सा सेक्टर बूम पे है नीचे गिरेगा, क्या इंफॉर्मेशन किसको इंपैक्ट कर रही है, वो हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नाउ कम्स द बेसिस ऑफ सेंसेक्स. ठीक है, बेसिस ऑफ सेंसेक्स निफ्टी. अब सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का बताती हूँ, फिर क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया है तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली हम सेंसेक्स को भी कैलकुलेट करना सीख लेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी, आप देखते हो ना निफ्टी 16,000 पॉइंट्स पे चल रहा है. ठीक है, तो ये जो बेस पॉइंट्स है ना, मतलब वो कैसे निकल के आते हैं, कुछ तो कैलकुलेशन होती होगी, उसी को ही समझाया है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से. देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी इज द मार्केट इंडिकेटर ऑफ द एनएसई. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक्स, तभी इसको क्या बोलते हैं निफ्टी 50. अच्छा एक बात बताओ, ये निफ्टी 50 नाम कैसे आया? निफ्टी 50 फुल फॉर्म बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50. ठीक है, नेशनल 50 हम इनको जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. तो इसको निफ्टी कैसे नाम मिला? एन नेशनल से एंड इफ्टी 50 से. ठीक है, तो ये बन गया निफ्टी. ऐसी अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स. ठीक है, बीएससी के कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स. ठीक है, तो सेंसेक्स का मतलब सेंसिटिव इंडेक्स. तो सेंस हमने कहाँ से लिया? सेंसिटिव से, और ईएक्स हमने लिया इंडेक्स से, तो ये बन गया सेंसेक्स और वो है निफ्टी. ठीक है, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लेते हैं. तो यहाँ पे बोला कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो बेस पॉइंट को. अब आ जाओ इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, जूम कर लेना तो आपको समझ में. और ये बहुत रैंडम डेटा है, ऐसा नहीं कि यही एक स्टैंडर्ड है, नहीं. होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो ये इधर क्या लिखी है, थ्योरी. इसको पढ़ने से आज तक किसी को समझ, मतलब बहुत मुझे डिफिकल्ट लगता है कि आप कैसे ही उसको समझोगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये डेटा है. अब क्योंकि हम निफ्टी, और सेम याद रखना सेम ही चीज हम सेंसेक्स के पॉइंट्स को भी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो मैं आपको निफ्टी समझा रही हूँ, ऐसे ही सेंसेक्स भी निकलेगा. तो निफ्टी में हमें पता है टॉप 50 कंपनीज आती है, करेक्ट. तो वो जो 50 कंपनी की लिस्ट होगी ना, जो भी मेरी टॉप 50 में है, वो हमेशा के लिए एक नहीं रहती, कभी क्या कभी क्या. ठीक है, कभी कौन सी कंपनी कभी कौन सी. तो जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं उनका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, करंट जो शेयर का प्राइस है वो क्या चल रहा है, ठीक, वो देखेंगे. मान लो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा है सबसे ऊपर. अब ये रैंडम डेटा है, अब मत बोलना कि मैम आज तो रिलायंस ऊपर नहीं है, तो एक रैंडम बेसिस पे बोल रही हूँ. तो करंट शेयर प्राइस मान लो रिलायंस का है 2484, जो भी वैल्यू है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कि उसके मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर, मतलब ओवरऑल, ओवरऑल मार्केट नहीं, ओवरऑल कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके हैं, राइट. तो करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक, तो वो हमारा क्या आ जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो मैं लिख सकती हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू करंट शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो उससे मेरी कैपिटल कैपिटलाइजेशन की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की पूरी पूरी फिगर्स हर एक कंपनी के लिए ऐसे आ गई. ठीक है, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई अगेन किससे करेंगे, फ्री फ्लोट फैक्टर. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री फ्लोट फैक्टर, बहुत ध्यान से सुनना. फ्री फ्लोट फैक्टर मतलब एक कंपनी, सपोज एक ये कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी मान लो जितने भी शेयर्स इशू कर रही है, मान लो ये 100 शेयर्स इशू कर रही है, अब 100 में से 100 तो पूरे पब्लिक को ट्रेड करने के लिए देगी क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर पूरे के पूरे पब्लिक को दे दिए तो फिर तो आप और मेरे जैसे ही लोग जो ह्यूज इन्वेस्टर्स हैं वही इस कंपनी को खरीद लेंगे, राइट.
तो ये क्या होता है कि कुछ अपने पास कंपनी हमेशा रखती है कि इतने प्रमोटर के हैं, इतने इसके हैं, इतने इसके हैं, और कुछ हम मार्केट में लेके आते हैं जिसमें कि एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। तभी तो जब कोई प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जनरली आम दिन पे उनमें ट्रेडिंग नहीं होती है। तो जो जो कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है वो एक्चुअली उसके एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। एक्चुअल तो हमने क्या बोला कि 677 करोड़ में बात हो रही है, ठीक है। तो मार्केट में जितने अवेलेबल है फॉर दी जनरल पब्लिक टू ट्रेड इन, वो होते हैं मेरे फ्री फ्लोट फैक्टर्स, ठीक है। वो क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, राइट। तो मार्केट कैप इनटू फ्री फ्लो फैक्टर क्या हमें दे देता है, देखो मार्केट कैप इससे आया था, इनटू फ्री फ्लोट कैपिटल गिव्स यू एज अ रिजल्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जब ये हमें फिगर मिल गई फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो हमें एक उसको फॉर्मूले में पुट इन कर देना है। क्या, कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आया है हमारे पास वो किससे डिवाइड करेंगे, बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अब बेस क्या होगा, तो हम जब एनएससी की बात करते हैं तो हम ईयर 1995 इसका बेस लेके चलते हैं, और बेस वैल्यू इंडेक्स मतलब उस दिन वैल्यू ऑफ इंडेक्स क्या मान के चलते हैं। तो एनएससी के केस में हम 1000 मान के चलते हैं इसकी इंडेक्स वैल्यू, बेस इंडेक्स वैल्यू हमेशा। और बीएससी में क्या मानते हैं, 1977 1978 का देखते हैं, तो 100 हम बीएससी की बेस इंडेक्स वैल्यू मानते हैं, क्योंकि अभी हम एनएससी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस इंडेक्स वैल्यू है 100। और उस दिन मार्केट कैप क्या था, 2.06 ट्रिलियन, ठीक है। तो जो भी मेरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे इस फॉर्मूले से आया है उसको हम डिवाइड करेंगे 2.06 ट्रिलियन। ये दो चीजें चेंज नहीं होती हैं फॉर एनएससी, ठीक है। ये बेस है, स्टैगनेंट है, इसको इनटू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो जो फिगर आएगी आप देखोगे कि वो मेरा जो बेस पॉइंट है एनएससी के, उस वो होगा। वो आया कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ऐसे ही बीएससी के केस में भी सेम वही करेंगे कि टॉप 30 कंपनीज लेंगे, उनके करंट शेयर प्राइस लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उनको मल्टीप्लाई करके मार्केट कैप निकालेंगे। मार्केट कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्री फ्लोट शेयर्स जो कि अवेलेबल है फॉर दी पब्लिक जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर उसको हम उसके बेस ईयर मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, करेक्ट। तो ये है तरीका बेस पॉइंट्स निकालने का। सो दीज इंडिसेस आर ब्रॉड मार्केट इंडिसेस, इंडाइसेस, इनको क्या बोलते हैं, इंडाइसेस, करेक्ट। कंसिस्टिंग ऑफ द लार्ज लिक्विड स्टॉक लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, दे हैव सेव दे सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ देम आर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 500, मिड कैप 50, देख रहे हो आप कितने सारे इंडेक्सेस हैं। और जब मैं आपको ईटीएफ की बात कर रही थी ना, तो कोई हो सकता है कि एक कोई भी ईटीएफ सपोज निफ्टी 500 में कर रहा है, तो वो इसका रेप्लिका होगा, ठीक है, इसका इसका रेप्लिका होगा, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अब जो टॉप 50 है उसके बाद नेक्स्ट 50 कौन है, टॉप 100 कौन है, 200 कौन सी है, 500 कौन सी है, तो इस तरीके से सारे इंडेक्सेस हैं। अब ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन है ना, उतने नंबर्स को रिफ्लेक्ट उनकी एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं, करेक्ट। अब ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको पढ़ोगे पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या लिखा है मैंने आपको इस टेबल के थ्रू समझा दिया। सेम इज द केस विद बीएससी, लेकिन इसमें क्या से फर्क आ जाता है कि हम इसमें टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। द फ्री फ्लोट मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी रेडली ट्रेडेड इन द मार्केट। दिस डज नॉट इंक्लूड द वन हेल्ड बाय वेरियस शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स एंड अदर लॉक्ड इन शेयर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो फ्री फ्लोट भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होगा, सेम वही चीज जैसे मैंने बताई, लेकिन इसका बेस इंडेक्स क्या लेंगे हम, 100, और निफ्टी का कितना लेते हैं, 1000, राइट। सो हमने ये बेस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी दोनों के सीख लिए, सेंसेक्स का और निफ्टी का। सो
आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. आज की क्लास मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आई होप सेम गोज विद यू एज वेल, राइट? सो जो भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. हम आपके स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्यों, जो भी मेरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, करेक्ट? प्लस मैंने आपको बोला ही है कि हर चैप्टर के बाद आपके मॉड्यूल में जो भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम हर चैप्टर के बाद सॉल्व करते आ ही रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के भी करेंगे. नाउ एक और क्लास होगी एंड वी वुड बी डन विद दिस चैप्टर एज वेल. सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर.